आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मनी ट्री। और दोस्तों आज निफ्टी इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और अब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अब हमें आगे करना क्या है, क्योंकि मार्केट तो भाई बुरी तरह से धराशायी है, बुरी तरह से पिट चुका है। ऑलमोस्ट सभी लोग बड़े बड़े लॉसेस देख रहे हैं और उसमें देखिए कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन हमेशा मार्केट में रहती है। और अगर इस तरह की सिचुएशंस आप फेस नहीं करेंगे तो आप कैसे लॉन्ग टर्म के पोजीशंस या इन्वेस्टर्स की तरह आप सोचते हैं कि आप कहते हैं कि हम 2 से 5 साल के लिए रख सकते हैं, बट इतने पीरियड में तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बट उसमें आप अगर हर बार लॉसेस में बेचते रहेंगे तो फ़ायदा कब होगा आपको कि हमेशा लॉसेस में बेचेंगे आप। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, निफ्टी 10,000 का स्तर छुएगा क्या, स्मॉल कैप इंडेक्स क्या 5,500 तक आएगा और मिड कैप इंडेक्स क्या 16,000 तक टूट जाएगा, इस सभी के बारे में पूरा हम आपको चार्ट एनालिसिस करके बताएंगे। कुछ नया नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो कि चार्ट इंडिकेट कर रहा है कहाँ पर ब्रेकआउट्स हो चुके हैं डाउन साइड डायरेक्शन में, कितना और गिरावट रहेगी, इन सभी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों किसी भी तरह की फ्रेश पोजिशन से बचिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स के लिए बेस्ट एडवाइस मिले, आप चाहते हैं कि हम आपको 24/7 अपनी हेल्प प्रोवाइड करें, तो गाइस टेलीग्राम का चैनल हमारा चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 600 रुपये महीना उसकी फ़ीस है, और उसके साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम अगर आपके महीने में 600 रुपये भी लॉस होने से बचा पाए तो इसका मतलब आपके 600 रुपये बेनिफिट में चले गए, आप नो लॉस नो प्रॉफिट के जोन में आ गए। क्योंकि आप लोग वैसे भी हज़ारों रुपये नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको वो बेहतरीन समय बताएंगे, वो बेहतरीन लेवल्स बताएंगे, क्या आपको अपनी पोजीशंस को बना के रखना है, क्या आपको अपनी पोजीशंस को कट करना है, क्या आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है या ये स्टॉक अब आपको मुनाफा देने की क्षमता नहीं रखता है, इस सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल ही गया होगा, जहाँ पर हमने टेलीग्राम नंबर ज्वाइनर्स आपको दे रखा है, तो आप उस टेलीग्राम नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या नॉट फोन कॉल, मैसेज कर सकते हैं आप, यू नो वॉइस मैसेज और साथ ही टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। और ये मैसेज मैंने इसलिए थ्रो किया क्योंकि इस समय सभी पैनिक हो रहे हैं, अगर आप लोग उस पैनिक से बचना चाहते हैं तो शायद आपको एक फेयर एडवाइस की मुझे लगता है ज़रूर पड़ेगी। हाँ निफ्टी 10,930 का लेवल, 11,000 ऑलरेडी टूट गया, क्वार्टर में, मंथ में, वीक में, डे में, हाफ ईयरली में, सभी लेवल पर, क्योंकि जब सितंबर का एंड होता है तो डे की क्लोजिंग होती है, वीक की क्लोजिंग होती है, मंथ की क्लोजिंग होती है, क्वार्टर की क्लोजिंग होती है और हाफ ईयरली की क्लोजिंग होती है। अब से फ्रॉम द डे वन ऑफ द अक्टूबर फर्स्ट जो भी रहेगा, अक्टूबर का जो पहला ट्रेडिंग सेशन रहेगा, उससे आपके नए मंथ का आगाज़ होगा, नए हफ्ते का आगाज़ होगा, नए दिन का आगाज़ होगा, नए क्वार्टर का आगाज़ होगा और नए छमाही का आगाज़ होगा। तो क्या मार्केट में भी ट्रेंड भी नया होगा, क्या तेज़ी का दौर आएगा मार्केट में, या ट्रेंड वही पुराना होगा? और अगर ट्रेंड वही पुराना हुआ तो फिर ये एक अच्छे संकेत नहीं होंगे आने वाले समय में आप सभी के लिए, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन से अभी बच के रहना, जल्दीबाजी मत करना, अगर आपको ग्रीन में दिखता भी है तो आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, मार्केट को 1 या 2 दिन आप ग्रीन में देखने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कंटिन्यूटी बनती है देन वेरी गुड, नहीं तो डेड कैट बाउंस अगेन हो सकता है, लोअर लो लोअर हाई का मेंटेन किया हुआ है इस समय ट्रेंड, और अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो निफ्टी में हमें 10,000 के स्तर भी अगले 3 से 5 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, उसके बाद रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है, नोबडी नोज, बट हमें मिलेंगे। 11,700 का लेवल वीकली चार्ट पर पीक था, वहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ और वो गिरते गिरते 11,057 का लेवल जो कि मजबूत सपोर्ट था वीकली चार्ट पर, वो टूट गया और आखिरकार 11,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी ध्वस्त हो गया। उसके ध्वस्त होते ही जो सेंटीमेंट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं मार्केट में, बड़े बड़े स्टॉक्स, चाहे आप DHFL को ले लो, चाहे आप इन्फीबीम को ले लो, चाहे आप यस बैंक को ले लो, बंधन बैंक भी आपको मंडे से ज़बरदस्त गिरावट में देखने को मिलेगा, क्योंकि बंधन बैंक में भी
आरबीआई ने एक्सपेंशन को खारिज कर दिया, रोक दिया है, सीईओ की सैलरी रोक दी है, कुछ नॉन कंप्लायंसेस पाए गए हैं बंधन बैंक में। तो ये बंधन बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिन लोगों के पास भी बंधन बैंक में होल्डिंग है, आप कृपया सावधान रहें और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। 10,596 यानी लगभग 10,600 का स्तर अगला स्तर होगा निफ्टी इंडेक्स के अंदर, यानी कि अभी गिरावट तो लगभग 400 पॉइंट की बाकी बची है अगला सपोर्ट लेने के लिए। और अगर 10,600 आता है और वहाँ से रिवर्सल आ गया देन वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, और मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि अब स्ट्रॉन्ग बॉटम बेस बनाएगा मार्केट, क्योंकि तेजी भी फिर अच्छी वाली ही दिखाएगा जब स्ट्रॉन्ग बॉटम बेस बनेगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, माना जा रहा है 75, 76, 77 लेवल तक भी रुपी जा सकता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर। क्रूड अपने हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है, डे बाई डे ज़बरदस्त हाई पे जा रहा है क्रूड, और मुझे लगता है कि अभी ईरान पर कुछ और प्रतिबंध लगने वाले हैं जिसके बाद जो क्रूड के दाम है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं मार्केट को गिराने के लिए जो कि पर्याप्त हैं। तो हम मान के चल रहे हैं 10,600 रुपये का निफ्टी का पहला सपोर्ट डाउन साइड में, उसके बाद 10,000 लेवल नेक्स्ट सपोर्ट, और आप इसीलिए किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन से बच के रहिएगा। निफ्टी की पी भी काफ़ी हाई इंडेक्स पर ट्रेड कर रही है। सो ये हमने निफ्टी के बारे में बताया। मिड कैप इंडेक्स 17,154 पे, 70,150 पे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अपना मजबूत सपोर्ट 18,000 ब्रेक कर दिया है। आप 18,000 के सपोर्ट को देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन, ये एक मजबूत सपोर्टेबल था वीकली चार्ट पे जो कि हिट हो चुका है। और अब यहाँ से जो दूसरा हमें सपोर्ट दिखाई देता था 17,355, तो हमने सोचा था शायद वहाँ पर सपोर्ट ले ले, बट फ्राइडे को उस लेवल को भी हिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, और अब एक बड़ी वीकनेस जो कि मार्केट को यानी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को 16,000 तक लेके जा सकती है। तो आप तैयार रहिए, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट अभी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हाँ, डेड कैट बाउंस अगेन इसमें भी हो सकता है, कुछ उछाल आ सकता है, बट वो परमानेंट उछाल नहीं होगा फिलहाल, जब तक कि हम अगला वीडियो आपके साथ पोस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर हम आपको कन्फर्मेशन देंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। आप मान के चलिए कि निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स लगभग 16,000 का लेवल जरूर छूने वाला है। तो सावधान रहिए, मिड कैप इंडेक्स में भी अपनी पोजीशन बनाने से। स्मॉल कैप ने तो भाई, स्मॉल कैप ने तो भैया फ्राइडे को ही इतना ज़बरदस्त गिरावट दे दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग ऐसे डूब गए हैं, और कितने लोगों का पैसा, मतलब आप समझ नहीं सकते वो किन लेवल्स पर खड़े हैं, कितना पैनिक है। बट दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इस मार्केट में जब घुसा जाता है ना, तो ये सोच के घुसा जाता है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वो आपका अपना नहीं है, उस पैसे को आपको आप भूल जाओ, या तो आप बहुत बड़ा कमाओगे या फिर आप कुछ भी नहीं कमाओगे। अगर आप उसको रोज़ चेक करने की कोशिश करोगे, 10 रुपये का नुकसान हो गया, 50 रुपये का नुकसान हो गया, मेरे 500 रुपये चले गए, मेरे 1,000 चले गए, तो फिर आप इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली आप इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते धीरे धीरे लेकिन अपना सारा पैसा गंवा दोगे। सो हैव पेशेंस, पेशेंस की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड हैं तो गिरावट के दौर में भी आप बने रहिएगा, स्टॉक में वापस रिवर्सल आएगा, जब मार्केट के सेंटिमेंट्स में रिवर्सल आएगा, उसके ट्रेंड में रिवर्सल आएगा। 7,000 का स्तर निफ्टी स्मॉल कैप में एक मजबूत सपोर्ट था, हालांकि आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 9,500 का हाई टच किया था इसने लगभग जनवरी 18 को, जो कि हमने देखा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले सितंबर से लेके जनवरी 18 तक ज़बरदस्त अप मूव दिया था, और तभी उसी बीच में हमारे चैनल की जो टिप्स थी, जो रिकमेंडेशंस थी, वो उन्हीं ग्राउंड्स पर थी, और स्मॉल कैप में अच्छे मुनाफे भी आए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, स्मॉल कैप में लोगों ने हायर लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, जो भी कुछ है, स्मॉल कैप में उसके बाद एक गिरावट का दौर स्टार्ट हुआ, टेक प्रॉफिट नहीं करने के चक्कर में वो गिरते गए। 7,000 का सपोर्ट टूटा जो कि मजबूत सपोर्ट था, उसके बाद जब 7,000 टूटा गिरावट के दौर में, देन 6,500 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमने मान के चले, जिसने कि दो जगह, या एक इस जगह पर यानी कि 30 अक्टूबर 2016 और एक इस जगह पर लगभग 23 फरवरी 2017 को सपोर्ट बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे सेशन में वो सपोर्ट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, और अब निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडेक्स है वो 5,800 एंड देन फाइनली 5,650 का लेवल, यानी कि 5,650 का लेवल हम मान के चल रहे हैं। इन अ वर्स्ट सिनेरियो केस निफ्टी
मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 5,500 के लेवल तक आ सकता है, 5,500 तक आ सकता है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 16,000 तक आ सकता है और निफ्टी का इंडेक्स लगभग 10,000 तक आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में, अगर इसी तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट के बने रहे, अगर इसी तरह से जो वीकनेस रही रुपये में बनी रही, अगर इसी तरह से क्रूड के प्राइस लगातार बढ़ते चले गए, तो अगले कुछ समय के लिए आप जो भी पोजिशन है उसको जस्ट होल्ड कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है आपको, बच के चलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन बॉटम शेयर को ढूंढें जहां पर आप ऑलमोस्ट बॉटम हो चुका है, तो वहां उनको ढूंढ के अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो ऑलमोस्ट बॉटम पे टच हो गए हैं, तब आप उनमें कुछ छोटी मोटी पोजीशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई इन द मिड ऑफ द यू नो स्काई में कोई घूम रहा है, तब आपको उसमें फ्रेश पोजीशन नहीं रखनी है, क्योंकि आपको बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सो गाइस, हमने बात की निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, और हमने आपको वो फेयर एडवाइस दी जो कि आपको और किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो जो भी आपके यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं। हम आपको टेक्निकल चार्ट आपकी आंखों के सामने दिखाते हैं और आपको वो लेबल दिखाते हैं कि भाई देखो इनको ब्रेक किया गया। हम केवल मुँह से आपको नहीं बता देते हैं कि इस लेवल पर जाएगा, इस लेवल पर जाएगा। हम फैक्ट्स पर बात करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप उन फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद जब आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद आप अपनी किसी भी तरह के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत पैनिक हैं, और अगर उनके लिए कुछ थोड़ी सी राहत अगर आप उनको पहुँचा सकते हैं तो शायद आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी करेंगे। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल मनी ट्री के साथ। पैसे को अपने बचा के रखिएगा, कैपिटल सेविंग करते रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सुनहरा समय मिलेगा आगे इन्वेस्टमेंट के लिए। मार्केट अगले 18 से 24 महीनों में अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन उससे पहले वो तलहटी को छू के जरूर जाएगा। सो अभी समय है तलहटी को छूने का, और अगर आपने उस तलहटी के समय पर सही पोजीशन बना ली तो जब वो अपनी ऊंचाइयों को छुएगा तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। सो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में जल्दी फिर मुलाकात करूंगा कुछ अच्छे स्टॉक के रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार दोस्तों।